हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो है शटरिंग और फॉर्मर। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इंटरव्यू में जो अपना क्वेश्चन आता है वो शटरिंग और फॉर्मर के ऊपर ही आता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो अपना रहता है कोई भी इंटरव्यू में, अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो 60% क्वेश्चन आपका शटरिंग से आएगा। और मैं जो कंटेंट अभी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएगा। अगर आप ये समझ लीजिएगा तो आप साइड में भी अच्छे से जो काम को समझ पाइएगा, और इसका टेक्निकल क्या नाम होता है हर एक कंपोनेंट का शटरिंग में वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग अच्छे से जो है देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो शटरिंग का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक्चुअली आप लोग जो है समझ सकते हैं। मैं शुद्ध हिंदी में आप लोग को बता देता हूँ। पहले शटरिंग क्या होता है, हम लोग को जो मान लीजिए एक कॉलम तैयार करना है, तो कॉलम का शेप हम लोग को जो है दिया गया है, तो उस शेप के हिसाब से हम लोग जो है शटरिंग जो हम लोग जो है ये करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर से हम लोग जो है कंक्रीट डाल देंगे। तो कंक्रीट डालने के बाद उस शटरिंग को हम लोग अपना जो है पानी खोल देंगे। तो खोल देने के बाद अपना जो जो है अपना कॉलम आ जाएगा रेडी होके। तो इससे क्या होगा, शटरिंग का काम क्या हुआ, कोई भी कंक्रीट, कोई भी स्ट्रक्चर को मोल्ड करना, मतलब मोल्ड करके हार्ड कर देना, उसी का एक्चुअल जो है शटरिंग का अपना काम है। वही एक्चुअली है इनडायरेक्टली जो है डेफिनेशन में हम लोग को जो है बोला गया है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर्मवर्क इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड एज ए मोल्ड फॉर ए स्ट्रक्चर इन विच फ्रेश कंक्रीट इज पोर्ड ओनली टू हार्डन सब्सिक्वेंटली द कंस्ट्रक्शन। ये जो चीज़ जो है अपना आगे डेफिनेशन में, अभी ये जो चीज़ है ये बहुत वाइटल चीज़ है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से जो है समझ लीजिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म वर्क टेक्स टाइम एंड इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिट्योर अप टू 20-25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और इवन मोर। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपका मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन 0 से 100 तक, मतलब शुरू से ख़त्म तक जितना कॉस्ट होता है, उसका 20-25% कॉस्ट आपका शटरिंग का जो अपना फॉर्मवर्क है वो मेकिंग से शुरू करके उसको लगाने तक खर्चा में जो है चला जाता है। मतलब दिस इज़ आवर ये वेरी वाइटल इन्वेस्टमेंट होता है एक शटरिंग का जो, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जिसके लिए हम लोग को जो है शटरिंग के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि 20-25% एक स्ट्रक्चर का 1/4 कॉस्ट, उसी 1/4 कॉस्ट जो है उसी में जो है लग जा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग को जो है अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फॉर्मवर्क। टाइप ऑफ फॉर्मवर्क मतलब हम लोग को कितना टाइप का फॉर्मवर्क हम लोग का इंडिया में यूज़ होता है। तो पहला फॉर्मवर्क जो गया टिम्बर फॉर्मवर्क, जो बहुत दिन मतलब पहले जो है यूज होता था, अभी थोड़ा कम यूज़ होता है। प्लाईवुड फॉर्मवर्क मैक्सिमम, मतलब कंस्ट्रक्शन साइड में आप जाएंगे तो आपको प्लाईवुड का फॉर्मवर्क जो है देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क क्या होता है, अगर हम लोग का टिपिकल सेक्शन है, मतलब टिपिकल साइज है, टिपिकल मतलब मान लीजिए हम लोग का कॉलम कोई भी अपना मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में मान लीजिए 20 कॉलम में 10 कॉलम में 300x400 का, और ये देखिए अगर 10 कॉलम में 300x400 का और अगर 20 कॉलम में अपना 200x300 का, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि हम लोग का जो 300x400 का जो अपना कॉलम है, तो और 200x300 का जो अपना 200x300 का ये जो अपना कॉलम है, इसमें क्या है, ये जो सेम साइज है, तो इसमें खर्चा जो है हम लोग का जो है कम करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एलुमिनियम का जो है बना देते हैं, ठीक है। तो एलुमिनियम का हम लोग इसीलिए जो है बनाते हैं जो उसमें खर्चा कम हो और उसको जो है हम लोग का जो है रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बार। तो उसके बाद आता है जो अपना माइवन फॉर्मवर्क। ये माइवन फॉर्मवर्क क्या है, माइवन फॉर्मवर्क जो है ये एक्चुअली पहले क्या होता था यूएस कंट्री में, जो बहुत यूएस कंट्री से भी बहुत ज़्यादा जो है अरब कंट्री में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ होता है। ये क्या होता है बिल्डिंग में मैक्सिमम जो है चीज़ होता है। अभी देखा जा रहा है कि अभी इंडिया में भी बहुत मतलब ज़्यादा करके जो है इसका चीज़ हो रहा है। तो
यही चार फार्मक, ठीक है, मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम यही चार फार्मक जो अपना इंडिया में देखा जाता है सबसे ज़्यादा, प्लाईवुड का और एलुमिनियम का थोड़ा बहुत, और माइभम का भी अभी जो है बहुत जो है दिखा जा रहा है, और टिम्बर का उतना नहीं देखा जाता क्योंकि टिम्बर का क्या होता है इसका टेक्निकली ये जो है थोड़ा मतलब वीक है, क्योंकि इसमें इसके लिए बहुत कुछ हम लोग को जो है फैक्टर जो है देखना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है सीजनिंग, देखना पड़ता है टिम्बर का टिम्बर स्ट्रीट है क्या नहीं, ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अभी मैं आज जो मैं आपको समझाऊंगा ये चारों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक को लेने जाए तो बहुत जो है टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगा ये चारों को ही आप लोगों को समझाऊंगा कैसे इसका जो इक्विपमेंट लगता है, इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट लगता है मतलब ये चारों एक कंप्लीट फॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या बेस मटेरियल, तो हम लोगों का जो जो चाहिए जो जो मटेरियल के मतलब बिना एक फॉर्मक जो है नहीं बन सकता, उसके उसके बारे में हम लोग जो है आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सपोर्टिंग इक्विपमेंट जो मैं अभी आपको बोला के जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे जो शटरिंग बनता है, शटरिंग जो है रेडी होता है, एक प्रॉपर फॉर्मवर्क जो है हम लोग इसको मतलब मतलब एक नाम दे सकते हैं कि ये जो है एक कंप्लीट फॉर्मवर्क है। तो वो एक कंप्लीट फॉर्मवर्क बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का जो है ज़रूरत पड़ता है वो जो है बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो एक जो चीज़ हम लोग का चाहिए वो है रनर, दूसरा बेस प्लेट और एक यू जैक, प्रॉप जैक, उसके बाद जो अपना लेजर, अच्छा लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल भी चाहे बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वो भी मैं जो है आपको सामने बता दूंगा। और एक चीज़ है उसको बोलते हैं क्या वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, वो वर्टिकल के बारे में मैंने जो है यहाँ पे जो है नहीं समझा होगी, वो लेजर और जो अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बहुत ज़्यादा जो है अपना डिफरेंस नहीं रहता। तो मैं जब वर्टिकल समझाऊंगा तभी मैं आपको जो है हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना आता है इमेज चैलेंज टाई रॉड क्लैंप, और एक बार दोस्तों मैं बताता हूँ पहले का हम लोग का क्या लग रहा है, रनर लग रहा है, बेस प्लेट लग रहा है, यू जैक लग रहा है, प्रॉप जैक लग रहा है, हॉरिजॉन्टल या फिर उसको बोला जाता है लेजर, इमेज चैनल लग रहा है, टाई रॉड लग रहा है, अपना क्लैंप लग रहा है। ये जितना चीज़ मैंने आपको बताया ये सभी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, और एक स्टैंडर्ड कंप्लीट फॉर्मवर्क रेडी करने के लिए हमको ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे कि ये चीज़ के अपना जो है कितना टाइप्स का आता है, उसका जो अपना स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। अच्छा रनर, रनर का क्या है, रनर बेसिकली टू टाइप्स, एक जो है इसको जो है हम लोग साइज के दौरान हम लोग इसको जो है टू टाइप करते हैं, एक तो है 2x3 तो 3x4, 2x3 मतलब 2 इंच, इसका मतलब जो है ये इंच बोला जाता है, 2x3 इंच मतलब कितना हुआ 50mm x 75mm, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंच x 4 इंच मतलब 75mm x 100mm, ठीक है। तो 2x3 अकॉर्ड 4x3 कहा जो अपना जो है चीज होगा, तो 2x3 हम लोग का बोर्ड मेकिंग के लिए, शटरिंग का फॉर्मवर्क का जो बोर्ड होता है वो मेकिंग करने के लिए हम लोग 2x3 जो है यूज करते हैं, और बीम का सपोर्ट देने के लिए इसको जो हम लोग यूज करते हैं, और 3x4 मतलब अपना 75x100 का जो अपना होता है उसको हम लोग का स्लैब सपोर्टिंग के लिए और बैक सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसको देखने में कैसा होता है और कैसा, मैं तो मान लीजिए आपको जो समझा दिया कि ये जो अपना बोर्ड मेकिंग है, अपना सैप, ये अपना जो है बीम सपोर्ट, ये जो अपना स्लैब सपोर्ट, पर ये आपको दिखाने में अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये। चलिए देखते हैं, ये जो है ये 2x3 है, ये 2x3 का सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट बोल रहा हूँ, 2x3 का जो है रनर है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको जूम कर दिया, ये थोड़ा पतला है, इसका जो विड्थ होता है ना, इसका जो विड्थ होता है ऐसे करके ये मान लीजिए ये होता है 2 इंच का, ये होता है 3 इंच का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इधर आइए, इसको बोला जाता है 3x4, ये थोड़ा मोटा है, मोर देन ये 2x3 से ये थोड़ा देखिए मोटा है, ठीक है।
इसको बोला जाता है 3/4, ठीक है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि 3/4 का कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि स्लैब का बॉटम में, ये स्लैब का बॉटम में जो 3/4 का जो है रनर, ठीक है, यूज हुआ है। बेस प्लेट, बेस प्लेट के बारे में मैंने बहुत जगह पे जो है अपना सर्च किया, बहुत जगह पे अपना जो मान लीजिए बुक है बहुत जगह पे देखा, पर स्पेसिफिक उसका साइज जो है ना नहीं दिखा रहा था कहीं पे। पर मैंने अपना साइट के दौरान, मतलब साइट में मैं अपना साइट पे जो काम हो रहा है बेस प्लेट के हिसाब से, उस ब्लेड के हिसाब उस अपना बेस प्लेट का जो अपना साइज के हिसाब से मैंने जो है आप लोगों को जो है दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो बेस प्लेट है ये होता है, थोड़ा मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको देखने में सुविधा रहेगा। देख सकते इसका जो लंबा जो अपना रहता है वो 450, और इसका प्लेट जो है वो 150 का रहता है, और एक तरफ का बेस प्लेट कैसा है वो है आपका 620 का रहता है, और 150 का जो अपना आपका जो अपना प्लेट रहता है। उसके साथ ही एक है, उसको बोलता है बेस जॉइंट। बेस जॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये जो है, ये जो बीच वाला है ना, ये अपना हॉलो है, तो इसके अंदर से एक पाइप जो है हम लोग डाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे पाइप नहीं डाल सकते, ये जो है रिजिड है, ठीक है, ये खुद ही जो है एक पाइप है, ठीक है। और ये जो अपना बेस जैक है, बेस जैक का जो साइज स्पेसिफिक होता है वो 100 होता है, उसका पाइप जो अपना निकला हुआ है, और 150 का जो है प्लेट रहता है। तो ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मैं इसका जो फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझने में और थोड़ा अच्छा हो जाएगा समझने में। ये देखिए, ये होता है बेस जैक, जो मैं आपको बोला था कि एक पाइप लगा रहता है, ये होता है बेस जैक, ये होता है 100, ये होता है 100 का, और ये होता है 150 का, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग बोलेंगे, ये होता है 150 का, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो 450 या फिर 620 रहता है, ठीक है। ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ओके। तो हम लोग देखते आगे, यूजैक कैसा होता है। अच्छा, मैं आपको जो अभी सब समझा दे रहा हूँ, अभी फिर मैं दिखाता हूँ कि बेस प्लेट यूजैक कैसे और कहाँ लगता है, ठीक है। इसका पहले जो साइज आप लोग जो है देख लीजिए पहले अच्छे से, नहीं तो बाद में जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ये देखिए यूजैक का साइज, हम लोग का साइड में जैसे काम होता है उस हिसाब से मैंने आपको दिखाया है। ये रहता है 600 का, इसका जो पीछे का जो आपका डंडी रहता है, ठीक है, वो 600 रहता है, और ये जो यू रहता है ये 100 रहता है, और ये एक चीज़ मैंने डायमेंशन नहीं दिया आपको यहाँ पे, ये 150 mm रहता है, 150, ठीक है। यूजैक का स्पेसिफिक जो है एक ही साइज रहता है। फिर मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 600 है, ये जो ये होता है 100, ये 100 से थोड़ा सा जो है अपना ज़्यादा, मतलब ये 100 है एक्चुअली, मतलब ये अपना ये जो है आउटर नहीं है, इनर है 100, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो 3/4 का जो अपना रनर है वो इसके अंदर आसानी से जो है जा सके, इसलिए इसको जो 100 से थोड़ा ज़्यादा जो है हम लोग का जो है रखा गया है, और ये जो है 150, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो यूजैक मैं अभी आपको जो है बता रहा था, यही है यूजैक। ये कितना मैं बताया, ये 600, ठीक है, ये कितना दिखाया 150, और ये कितना है, ये होता है 100, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इसको बोला जाता है यूजैक। आप लोग अगर साइड में काम कर रहे हैं, आपका साइड में अगर है तो आप लोग एक बार जो है मेजरमेंट करके भी जो है देख लीजिएगा, हो सकता है कि मेरे से भी जो है अपना गलती हो गया है कहीं पे, तो एक बार आप लोग भी जो है देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख सकते, मैं आपको बोला था कि अभी कि आपको दिखाऊंगा कि यूजैक कहाँ पर और कैसे जो अपना ये होता है ठीक लगता है। तो आप लोग देख सकते कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिया है और नीचे कुछ सपोर्ट दिया है,
ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो सपोर्ट दिया है और यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिया है, ये जो नीचे जो जो सपोर्ट दिया है इसको बोला जाता है बेस प्लेट, और जो ऊपर जो सपोर्ट दिया है उसको बोला जाता है यू जैक। ठीक है, यू जैक कहाँ सपोर्ट देता है और बेस प्लेट कहाँ सपोर्ट देता है, आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक। ये मान लीजिए आपका कॉलम है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, वॉल बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं। तो यू जैक का ऐसे करके जो होता है आपका मुंह रहता है ऐसे, इसका यू जैक को ऐसे करके सपोर्ट देते हैं उसका, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनली, सॉरी डायगोनली, और इसका जो इसका पाइप है, पाइप के अंदर जो है वो बेस प्लेट रहता है, बेस प्लेट को जो अंदर में जो है अपना जो घुसा देंगे, ठीक है, बेस पे घुसा देंगे और नीचे में यहाँ पे एक लकड़ी रख देंगे और लकड़ी के सामने एक जो है अपना सरिया गाड़ देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इस ड्राइंग को थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। एक कॉलम है, इसको सपोर्ट दे रहा है एक यूजैक, यूजैक को सपोर्ट दे रहा है पीछे से एक बेस प्लेट, बेस प्लेट को सपोर्ट कौन दे रहा है, एक सरिया, ठीक है, ऐसे करके सपोर्ट देता है जो, ठीक है, सपोर्टिंग का जो अपना फंडा रहता है तैसे रहता है, ठीक है, जुगाड़ रहता है ऐसे। अच्छा, उसके बाद एडजस्टेबल प्रॉप्स, ये बहुत एक, ये देखिए एडजस्टेबल प्रॉप ऐसा रहता है, ये दिखने में कुछ ऐसा रहता है, आप लोग अगर साइड में देखेंगे तो देख सकते हैं, इसको एडजस्टेबल प्रॉप बोला जाता है। ये जो एक आप देख सकते हैं कुछ, ये अपना क्या है, ये जो चीज़ है इससे हम लोग टाइट करते हैं, इसको जो है घुमाते हैं, इसको जो है ना रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते तो ये जो है टाइट होता है, ठीक है। हम लोग को मान लीजिए 3 मीटर का जो अपना हाइट में इसको जो है सपोर्ट देना है, तो 3 मीटर का हाइट को उठा के उसको हम लोग जो है टाइट दे देंगे तो वो उससे जो है नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो है एक स्पेसिफिक हाइट रहता है, क्योंकि इसके अंदर में जो है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है ड्रॉ भी किया है, एक रहता है आउटर, एक रहता है इनर, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, ये जो है, ये जो रहता है अंदर में रहता है और ये रहता है आउटर में, ठीक है। तो ये दोनों को जो है अपना मतलब अपना जो है ना खोलते हैं इसको, तो एक एक का जो अपना क्लोज जब रहेगा, ये जब क्लोज रहेगा और जब ओपन रहेगा उस हिसाब से इसका जो है साइज रहता है। तो पहले देख लेते इसका डाया कितना रहता है, ये बोल रहा है कि आउटर डाया इसका जो अपना रहता है वो 60.3 रहता है और इनर डाया रहता है 48.3। एडजस्टेबल प्रॉफ का ये जो आउटर आउटर का जो डाया है ये 60.3 mm और इनर का 48.3 mm, ठीक है, जो कि सब चाहे भी इसका जो साइज रहता है इसका, अगर जब ये जो बंद रहेगा, बंद जब रहेगा इसका साइज रहेगा 1.070 मीटर। उस इसका जब हम लोग मान लो उसी वाला हम लोग प्रॉप को अगर हम लोग जो अगर हम लोग मान लीजिए खोलेंगे तो उसका साइज हो जाएगा 1.80। 1.750 का जब हम जब मान लीजिए अपना क्लोज रहेगा तब रहेगा 1.750, जब उसको हम लोग खोलेंगे तब हो जाएगा 3.120। वैसे ही करके 1.980 रहेगा, जब हम लोग उसको अपना खोलेंगे तो 3.35 हो जाएगा। उसकी हिसाब से हम लोग जो है एक एग्जैक्ट लोड के हिसाब से भी हम लोग देखा है तो उसको क्या है, जो 1.07 था उसका लोड रहेगा 5080 kg, मतलब 5 टन के करीब, तीनों का ही 5 टन के करीब। तो हम लोग एवरेज में ये बोल सकते हैं कि एक एडजस्टेबल प्रॉप का एक्सेल लोड कैपेसिटी जो रहता है 5 टन, ठीक है। एक एडजस्टेबल प्रॉप का जो एक्सेल लोड कैपेसिटी रहता है उसको 5 टन बोला जाता है, 5 टन रहता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा इंटरव्यू में, आप लोग जो है थोड़ा इसको मतलब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हॉराइजॉन्टल और लेजर, हॉराइजॉन्टल और लेजर मैं अभी आपको बोल रहा था कि हॉराइजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल भी है, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल जो है नहीं लिखा है, पर वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो वर्टिकल क्या होता है,
थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो समझाने में आसानी रहेगा। जूम कर लेते हैं। वर्टिकल जो रहता है ये जो खड़ा वाला है ना, ये वर्टिकल है। तो हॉराइजॉन्टल कौन है? ये है हॉराइजॉन्टल। तो ये कहाँ लगा हुआ है? ये भाई लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो ट्रांसवर्सली जो हमने लगा हुआ है ना, ये हॉराइजॉन्टल जो है लगा हुआ है। इसका साइज भी है, इसका साइज कैसा कैसा है? एक तो है 1450 जो सबसे बड़ा रहता है, फिर रहता है 1150, उससे थोड़ा सा जो है छोटा रहता है, उसके बाद रहता है 950। ये तीनों साइज का मार्केट में जो है अवेलेबल है, उस और भी ज़्यादा है, पर ये तीनों साइज का हम लोग जो है यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो क्या क्या हुआ? 1450, 1150 और 950, ठीक है। अभी आ गया वर्टिकल। तो वर्टिकल हम लोग देख सकते, थोड़ा जूम कर लेते हैं। वर्टिकल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ठीक है, ये। तो ये वर्टिकल का साइज क्या रहता है? वर्टिकल का साइज रहता है 2.5, 1.5, 1.5, 3.0, ठीक है। तो ये 2.5, 1.5, 3.0 और भी साइज का जो है अपने एक आता है, पर ये साइज जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो जो ये वर्टिकल मान लीजिए ये हो गया, तो ये जो लेजर पाइप को जो है डालने के लिए एक 500-500 गैप पे एक कपलर होता है, कपलर जॉइंट। इसीलिए हम लोग ये देख सकते हैं आप, ये जो कपलर है, ये जो जो जॉइंट भी आपका जो है हॉराइजॉन्टल आपका जो है ठीक गया है, इसको बोलते हैं कपलर। ये कपलर जो रहता है ये 500-500 गैप पे जो है रहता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमएस चैनल हम लोग का साइड में जो मैक्सिमम हम लोग जो पता यूज़ करते हैं 100x50 mm का। अभी 100x50 मतलब क्या समझेंगे आप लोग? यहाँ पे जो है चैनल लगा हुआ, यहाँ पे जो है चैनल जो है रखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये देख सकते हैं ऐसे है, ठीक है, रेज़्यूम कर लीजिए ऐसा। ये नीचे का जो 100 रहता है और 50 जो रहता है ये साइड का, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये मैक्सिमम जब PCC रहता है, फाउंडेशन का PCC या फिर लाइनिंग का, अपना मान लीजिए बीम का PCC रहेगा, ठीक है, प्लिंथ बीम का PCC रहेगा, ठीक है, अपना फाउंडेशन में लाइनिंग का कुछ भी काम हो, ठीक है, कंक्रीट का, उसमें हम लोग जो है उसका सरफेस को जो है लाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चैनल हम लोग यूज़ करते हैं। और चैनल हम लोग यूज़ करते हैं सपोर्टिंग के लिए भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं चैनल, ठीक है, चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाई रॉड, ये एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है आप बोल सकते हैं। जो जो लोग इसके पे काम किया है वो समझ सकते हैं, और जो लोग टाई रॉड से कभी काम नहीं किया है, एकदम पहला जो है अभी हम लोग जो है, अगर कोई है ऐसा जो वीडियो देख रहा है कि टाई रॉड एकदम पहला जो है देख रहा है, ठीक है, तो उसको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाई रॉड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग फिर भी मैं जो है ये जो पिक्चर लेके आया आप लोग के लिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉर्मवर्क है, ये फॉर्मवर्क है, और इधर में कुछ लगा हुआ है दोनों को चिपक के रखने के लिए, ठीक है। तो यही जो है एक्चुअल आप लोग ये मान सकते हैं कि टाइरॉइड का काम हो गया। टाइरॉइड का काम अगर पूछेगा तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों फॉर्मवर्क को आपस में बांधने के लिए, आपस में उसको एकदम चिपक कर रखने के लिए, बॉन्डिंग देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ का यूज़ होता है? जहाँ पे हेवी मास कंक्रीट है, मतलब कंक्रीट का यूनिट वेट इतना ज़्यादा हो गया, मतलब हम लोग का 1 टन कंक्रीट का वजन कितना रहता है, उस हिसाब से हम लोग अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे, मतलब एक टन कंक्रीट का वजन अपना शटरिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा रहेगा, तो शटरिंग जो है फूलने का जो है एक चांस रहता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग उसमें क्या है ना, बीच बीच में जो है टाइरॉइड लगा देते हैं। तो टाइरॉइड लगाने से क्या होता है, टाइरॉइड लगाने से ये होता है कि वो जो शटरिंग कहीं भागता नहीं है। अभी मान लीजिए हम लोग का 1 MQ कंक्रीट का वजन कितना होता है, 1 MQ कंक्रीट का वजन होता है
2500 kg और 2.5 MT, 1 m³ कंक्रीट का वजन। तब ठीक है, समझ सकते हैं ना, मतलब 1 m³ का अगर आपको और भी मतलब आसान भाषा में बता दे तो 8 बैग सीमेंट में जितना कंक्रीट बनता है उतना कंक्रीट का वजन होता है 2.5 टन, मतलब 2500 kg। तो मान लीजिए आपका 100 m³ का बन गया, 100 m³ का बन गया, तो 2.5 × 100, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो, फिर आ गया अपना लोड आ गया, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, टायरॉड ही मतलब यूज़ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कंपोनेंट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, विंग नट। एक आप देख सकते हैं, ठीक है, ये विंग नट क्या होता है, यहाँ पे जो है लगा रहता है विंग नट, ये विंग नट से जो है टाइट कर देंगे, और बीच में जो है ये जो है आप देख सकते हैं इसको, ये जो है ना इसको, ये एक्चुअली है आपका एक स्टील है, डिफॉर्म बार है, एक TMT डिफॉर्म बार ही है ये। इसको जो है थ्रेड करके हम लोग सामने में जो है इसका थ्रेड का जो है, इसको थ्रेड करके यहाँ पे और इधर पे थ्रेड करके ये जो हम लोग विंग नट को डाल के इसको जो है टाइट कर देते हैं, ठीक है, टाइट कर देते हैं, तो ये दोनों क्या है चिपक रहता है आपस में और जो है कहीं पर जो है भागता नहीं है शटरिंग। तो इसका और एक भी एक टाइप से हम लोग जो है करते हैं, उसको हम लोग घुघू नट बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये देखिए दो भाई जो है लगा रहा है, ठीक है, घुघू नट भी हम लोग बोलते हैं। घुघू नट भी क्या है, ये टायरॉड से भी एक गुना मान लीजिए ऊपर है ये घुघू नट। हम लोग जहाँ एक यूज़ करेंगे एकदम शटरिंग को पकड़ के रख देगा, शटरिंग एकदम पकड़ के रख देगा, और इससे क्या होगा शटरिंग भागेगा नहीं। पर एक चीज़ क्या होगा, हम लोग का जो टायरॉड से क्या होता है, टायरॉड का बीच में क्या है, हम लोग ये आप लोग एक चीज़ जो है समझ सकते हैं कि अगर ये कंक्रीट के बीच से अगर एक जो है लोहा चला जाएगा तो अपना क्या होगा, ये जो शटरिंग में जो है छेद हो जाएगा, ये तो छेद हो जाएगा, पर ये अगर लोहा चला जाएगा, अगर छेद हो जाएगा तो अपना क्या होगा, ये जो फिर कंक्रीट तो मान लीजिए निकलने का नहीं, मतलब कंक्रीट का डीशटरिंग के बाद जब डीशटरिंग हो जाएगा तब तक तो जो है ये लोहा जो है अपना निकलेगा नहीं, ठीक है, समझ गए ना। ये जो लोहा जो हम लोग डाले हैं, ठीक है, वो शट अपने वो शटरिंग के पहले डाले हैं, अभी डीशटरिंग के बाद ये लोहा तो मान लीजिए निकलेगा नहीं, तो ये लोहा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में जो है एक PVC पाइप डाल देते हैं। ये PVC पाइप डालने के वजह से क्या होता है, इस जो हम लोग का जो लोहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो समझ गए आप लोग, तो घुघू नट हम लोग जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे लोहा निकलने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब डाल दिया तो डाल दिए, ठीक है। घुघू नट के बारे में अगर आपको अभी पता नहीं जाए तो और 10 मिनट जो है लग जाएगा, तो वीडियो उतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं। अगर घुघू नट के बारे में और भी आपको जानना है तो आप लोग जो है मेरे को मान लीजिए कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके मेरे को जो है बोलिए, ठीक, घुघू नट के बारे में तो और बताने के लिए मैं आपको और बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए थोड़ा जो है माफ़ी चाहता हूँ। पर एक चीज़ आप लोग जो है मेरा जो है ये कर दीजिए कि सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो अगर ऐसा मतलब लेना है आपको, देखना है, जानना है, सीखना है सिविल इंजीनियर का, ठीक है, और भी कुछ और बहुत कुछ मैं आपको जो है ये कर दूँगा, ठीक है, सिखा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर जो है आएंगे हम, ठीक है, मुलाकात करेंगे और एक टॉपिक लेके। तो बाय दोस्तों।